वेलकम बैक टू डी एम भट्ट ग्रुप ट्यूशन, अ प्लेस फॉर ऑल दी रैंकर्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि लास्ट लेक्चर में हमने मैंस रिलेशनशिप विथ एनिमल्स यानी कि यूनिट नंबर 2 की एक्टिविटी नंबर 1 कंप्लीट की थी, तो आज हम मूव ऑन करेंगे एक्टिविटी 2 पर। एक्टिविटी 1 की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो अगर आप उसे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो एक्टिविटी 2 का नाम है अ सीक्रेट फॉर 2, यानी कि एक सीक्रेट जो दो लोगों के बीच में कैद है। मॉन्ट्रियल, चलिए इसे आज समझते हैं। मॉन्ट्रियल इज़ अ वेरी लार्ज सिटी ऑफ कैनेडा, इनकी मॉन्ट्रियल जो है वो बहुत ही बड़ी सिटी है कैनेडा की। एंड इट हैज़ सम वेरी वाइड एंड बिग स्ट्रीट्स लाइक प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट, यानी कि यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी और वाइड स्ट्रीट्स होती है और उन्हीं में से एक है प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट। नो वन न्यू दिस स्ट्रीट एज वेल एज डिड पियर डुपिन। ओके, तो यहाँ पे पियर डुपिन नाम के एक इंसान की बात की गई है और बोला गया है कि इस इंसान से ज़्यादा बेहतर इस स्ट्रीट को कोई नहीं जानता था। पियर हैड डिलीवर्ड मिल्क टू द फैमिलीज ऑन दिस स्ट्रीट फॉर 30 ईयर्स, यानी कि ये जो हमारा पियर है उसने ये जो स्ट्रीट के जितने भी लोग हैं उनको मिल्क डिलीवरी का काम किया है टिल 30 ईयर्स, यानी कि 30 ईयर्स से वो ये मिल्क डिलीवरी का काम करता आ रहा है। ही वॉज वन ऑफ द मैनी मिल्क वेगन ड्राइवर्स दैट वर्कड फॉर अ मिल्क कंपनी, यानी कि उसकी कंपनी में बहुत सारे मिल्क वेगन ड्राइवर्स थे और वो उन्हीं में से एक था। ड्यूरिंग द पास्ट 15 ईयर्स द हॉर्स विच ड्रू द मिल्क वेगन यूज बाय पियर वॉज अ लार्ज वाइट हॉर्स नेम्ड जोसेफ, यानी कि लास्ट 15 ईयर्स से पियर जो हॉर्स को यूज़ करता आ रहा था, जो उसके मिल्क वेगन को खींचता था, वो बहुत ही लार्ज था, यानी कि बहुत ही बड़ा था, वो वाइट था और उसका नाम जोसेफ था। वेन द बिग वाइट हॉर्स फर्स्ट केम टू द मिल्क कंपनी ही डिडंट हैव अ नेम, यानी कि जब पहले पहले ये जो हॉर्स था वो पियर की कंपनी में आया था तब उसके पास कोई नाम नहीं था। दे टोल्ड पियर दैट ही कुड यूज़ द वाइट हॉर्स, कंपनी वालों ने पियर को बोला कि वो ये जो घोड़ा है वाइट हॉर्स है उसे यूज़ कर सकते हैं। कौन यूज़ कर सकता है? पियर यूज़ कर सकता है। पियर स्ट्रोक्ड द हॉर्स नेक एंड लुक्ड इनटू हिज आईज। अब पियर क्या करता है, पियर जो वो बोलते हैं ना घोड़े की जो गला होता है ना उस पर वो थोड़ा सा पैट करता है, पैट करना यानी कि थोड़ा सा थपथपाता है और वो उसकी आँखों में देखता है। दिस इज़ अ नाइस हॉर्स अ काइंड एंड जेंटल वन। पियर फिर क्या बोलता है कि ये घोड़ा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही काइंड है, दयालु है, अ जेंटल वन, जेंटल यानी कि एकदम शांत है। सेड पियर आई नेम हिम आफ्टर सेंट जोसेफ हु वॉज ऑल्सो वेरी काइंड एंड जेंटल, और वो बोलता है कि मैं इसका नाम सेंट जोसेफ के नाम पर से रखूँगा क्योंकि सेंट जोसेफ भी इस घोड़े की तरह ही बहुत ही शांत और दयालु थे। तो पियर बोलता है कि अब इसका नाम भी मैं जोसेफ रखूँगा, इन शॉर्ट। ओके, विद इन अ ईयर जोसेफ न्यू द मिल्क रूट एज वेल एज पियर डिड, यानी कि एक साल के अंदर अंदर ही वो जो जोसेफ था यानी कि पियर का जो घोड़ा था वो भी उस स्ट्रीट को अच्छे से जान लेता है। ओके, जितना पियर उस स्ट्रीट को जानता है उतना ही अब जोसेफ भी जानने लगता है। पियर यूज्ड टू से दैट ही डिडंट नीड रेन्स, पियर ऐसा बोलता है कि उसे रेन्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अभी आप पूछोगे रेन्स क्या होता है, तो आपने घोड़े के ऊपर जो लगाम, घोड़े की लगाम आपने देखी होगी कि जिससे जो राइडर है वो घोड़े को दिशा देता है यानी कि उसे डायरेक्शंस देता है। ओके, थिन पीस ऑफ लेदर ही होता है विच इज़ यूज्ड टू गिव डायरेक्शंस टू द हॉर्स। ओके, तो उसी से हम हॉर्स की मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उसी को हम रेन्स बोलते हैं, यानी कि घोड़े की लगाम। ही नेवर नेवर टच्ड देम, यानी कि जो पियर था वो कभी भी उसके घोड़े की जो रेन्स होती है वो कभी उस लगाम को हाथ नहीं लगाता था। ईच मॉर्निंग पियर अराइव्ड एट द स्टेबल्स ऑफ द मिल्क कंपनी एट 5 o'clock। अब पियर क्या करता था, वो रोज़ 5 बजे स्टेबल्स, जो मिल्क कंपनी के जो स्टेबल्स थे वहाँ पे पहुँच जाता था। द वेगन वुड बी लोडेड एंड जोसेफ हिच्ड टू इट। ओके, यानी कि जो उसका वेगन था वो पहले से ही लोडेड रहता था और एंड जोसेफ हिच्ड टू इट। जोसेफ हिच्ड टू इट का मतलब ये होता है कि जोसेफ जो होता है वो मिल्क जो वेगन रहता है, मिल्क वेगन, उसको वो लिफ्ट करने के लिए रेडी रहता था। जोसेफ हिच्ड टू इट। ओके, पियर वुड कॉल सॉफ्टली टू जोसेफ, गो ऑन माय फ्रेंड एंड दिस स्प्लेंडेड कॉम्बिनेशन
वुड स्टॉक प्राउडली डाउन द स्ट्रीट। अब ये जो पियर है वो एकदम सॉफ्टली जोसेफ को यानी कि अपने घोड़े को बोलता था, गो ऑन माई फ्रेंड, चलो मेरे दोस्त तुम चलो आगे चलो। एंड दिस स्प्लेंडिड कॉम्बिनेशन वुड स्टॉक प्राउडली डाउन द स्ट्रीट। स्प्लेंडिड का मतलब होता है एकदम ही एक्सीलेंट, यानी कि ये पियर और जोसेफ की जो एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन था वो स्टॉक करता था प्राउडली डाउन द स्ट्रीट, यानी कि वो लोग बढ़ते थे स्ट्रीट की तरफ, ओके, एकदम प्राउडली। द वेगन विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम पियर वुड अराइव इन प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट, यानी कि जो वेगन था उसे कोई भी डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी पियर से, और वो अपने आप ही प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट की तरफ मूव करने लगता था। द हॉर्स वुड स्टॉप एट द फर्स्ट हाउस, अलाउ पियर Perhaps 30 seconds to get down from his seat and put a bottle of milk at the front door. Okay, तो अब वो जो जोसेफ था यानी कि पियर का जो घोड़ा था वो सबसे पहले घर पर रुक जाता था और फिर वो पियर को 30 seconds का टाइम देता था कि वो घोड़े पर से, मतलब वो वेगन पर से उतरे और वो जो मिल्क की बॉटल है वो डिलीवर करके वापस आ जाए। इस सारी चीज़ के लिए जोसेफ उसको 30 seconds का टाइम देता था। ओके, अगेन द हॉर्स वुड गो ऑन स्किपिंग टू हाउसेज एंड स्टॉपिंग एट द थर्ड वन। अब वो जोसेफ क्या करता था कि दो हाउस को छोड़कर तीसरे घर पे वो रुक जाता था। सो डाउन द लेंथ ऑफ द स्ट्रीट द टू वुड गो, यानी कि ऐसे ही वो दोनों स्ट्रीट पर से जाते रहते थे। देन जोसेफ वुड टर्न अराउंड एंड कम बैक अलॉन्ग द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। अब जोसेफ क्या करता था कि वो टर्न ले लेता था और फिर वो वापस आ जाता था अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट की तरफ, यानी कि जो दूसरी साइड होती है ना स्ट्रीट की उसकी तरफ वो पहुंच जाता था। यस, जोसेफ वॉज रियली अ वेरी स्मार्ट हॉर्स, यानी कि ये जो करतूते ये जोसेफ करता था, पियर का घोड़ा जो करतूते करता था, उससे हमें एक चीज़ तो पता चली जाती है कि ये घोड़ा सही में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था। एट द स्टेबल्स पियर वुड बोस्ट ऑफ जोसेफ स्किल्स, यानी कि अब क्या करता था कि जब पियर स्टेबल्स पे आ जाता था वो हमेशा ही जोसेफ को बढ़ावा देता था, हमेशा ही जोसेफ की तारीफें करता रहता था। आई नेवर टच द रीन्स, यानी कि मैं घोड़े की लगाम को कभी भी टच नहीं करता। ही नोज जस्ट वेयर टू स्टॉप, और मेरे घोड़े को पता चल जाता है कि कहाँ पे रुकना है उसे कहाँ पे स्टॉप करना है, कहाँ पे स्टार्ट करना है, वो बहुत ही अच्छे से जानता है। Why a blind man could do my job with Joseph pulling the wagon? तो अब पियर बोलता है कि मेरी जगह अगर कोई अंधा आदमी भी होता और उसके पास जोसेफ जैसा घोड़ा होता तो वो अंधा आदमी भी मेरा काम कर सकता। ओके, why a blind man could do my job with Joseph pulling the wagon, इसका यही मतलब होता है। So it went for years, यानी कि ये जो सिलसिला था वो बहुत सालों तक चलता रहा। पियर एंड जोसेफ ग्रू ओल्ड टुगेदर, पियर और जोसेफ, जो पियर था और उसका घोड़ा था, वो लोग एक साथ ही बूढ़े होते गए। ग्रेजुअली, बट ग्रेजुअली, धीरे धीरे हुआ ये, नॉट सडनली, यानी कि ये जो सिलसिला था वो धीरे धीरे हुआ, सडनली से एकदम से नहीं हुआ। पियर्स ह्यूज वॉल्रस माउस्टैच वॉज प्योर वाइट नाउ, यानी कि पियर की जो माउस्टैच थी वो बहुत ही ह्यूज हो गई थी, यानी कि एकदम लॉन्ग थी और एकदम भरावदार जो बोलते हैं ना वैसी थी। और वो कैसी हो गई थी, वो अब एकदम ज़्यादा सफ़ेद हो गई थी, और सफ़ेद माउस्टैच एक ही चीज़ दिखाता है कि वो पियर अब बूढ़ा होता जा रहा है। एंड जोसेफ डिंट लिफ्ट हिज नीज सो हाई, ओके, यानी कि जो जोसेफ था यानी कि पियर का जो घोड़ा था वो भी अब अपने जो घुटने था वो ज़्यादा ऊँचा नहीं उठा पा रहा था, अपना घुटना वो ज़्यादा ऊँचा नहीं उठा पा रहा था। जैक्स, यहाँ पे देखिए एक नया कैरेक्टर आ गया है, चलिए आगे चलते हैं। जैक्स द फोरमैन ऑफ द स्टेबल्स नेवर नोटिस्ड दैट दे वर गेटिंग ओल्ड अंटिल पियर अपीयर्ड वन डे कैरिंग अ बिग वॉकिंग। ओके, तो यहाँ पे बात की गई है जैक्स नाम के एक आदमी की जो फोरमैन था उनके स्टेबल का। फोरमैन यानी कि वो इंसान की जो सारे जो वर्क है उसे सुपरवाइज करता है, और अगर कोई वर्कर अच्छे से काम नहीं करता है तो वो उसे गाइड करता है कि कैसे काम करना है। नेवर नोटिस दैट दे वर गेटिंग ओल्ड, यानी कि जो जैक्स है उसने कभी नोटिस नहीं किया था कि पियर और जोसेफ
ओल्ड हो रहे हैं. अंटिल पियर अपियर्ड वन डे कैरिंग अ बिग वॉकिंग स्टिक. अंटिल यानी कि जब तक उसने पियर को देखा कि वो एक वॉकिंग स्टिक के साथ चल रहा है. हे पियर, जैक्यूज लाफ्ड, मे बी यू गॉट द गाउट. हे, तो सबसे पहले तो वो बोलता है हे पियर, यानी कि हाय. जैक्स लाफ्ड, और मतलब हे पियर बोल के वो जैक्स हंसने लगता है. मे बी यू गॉट द गाउट. हे, यानी कि वो अब जो जैक्स होता है वो पियर को बोलता है कि तुम्हें क्या गाउट हो गया है. अभी गाउट यहाँ पे एक डिसीज़ का नाम है, वो एक बोन्स का जो है वो डिसीज़ रहता है. ओके, यस जैक्स, रिप्लाइड पियर अनसर्टेनली. मतलब पियर जो होता है वो अनसर्टन होके थोड़ा जैक्स को रिप्लाई करता है कि हाँ शायद मुझे गाउट हो गया है. बट एज वन ग्रोज ओल्ड लेग्स गेट टायर्ड. पियर बोलता है कि पर जब बुढ़ापा नज़दीक आता है तब जो पैर होते हैं वो कहीं ना कहीं थक जाते हैं. यू शुड टीच द हॉर्स टू प्लेस द मिल्क बॉटल्स एट द फ्रंट डोर ऑफ योर कस्टमर्स, जैक्स सेड टू हिम. अब जैक्स पियर को क्या बोलता है कि तुम जो अपने घोड़े को है वो भी सिखा दो कि कैसे वेगन में से मिल्क बॉटल निकालते हैं और कैसे कस्टमर के घर के आगे रख देते हैं. ऐसा कौन बोलता है? ऐसा जैक्स पियर को बोलता है. ही डज एवरीथिंग एल्स फॉर यू. वो जैक्स बोलता है कि बाकी सब तो वो तुम्हारे लिए करता ही है, तो अब ये चीज़ भी तुम अपने घोड़े को सिखा दो. वन मॉर्निंग द मैनेजर ऑफ द मिल्क कंपनी केम टू इंस्पेक्ट द अर्ली मॉर्निंग डिलीवरीज. अब एक सुबह क्या होता है कि वो जो मैनेजर होता है मिल्क कंपनी का, वो आता है इंस्पेक्ट करने अर्ली मॉर्निंग डिलीवरीज को. अर्ली मॉर्निंग जो डिलीवरी होती है उसे वो मिल्क कंपनी का मैनेजर देखने आता है. पॉइंटिंग आउट टू पियर, जैक्स सेड टू हिम, वॉच हाउ ही टॉक्स टू दैट हॉर्स हुम ही कॉल्स जोसेफ. अभी ये जो जैक्स है वो पियर को पॉइंट आउट करता है और मैनेजर को दिखाता है कि मतलब मैनेजर को बोलता है दैट वॉच हाउ ही टॉक्स टू द हॉर्स हुम ही कॉल्स जोसेफ. अब वो मैनेजर को बोलता है कि आप देखिए कि वो पियर जो है वो अपने घोड़े के साथ कैसे बातें कर रहा है, जिस घोड़े को वो जोसेफ बुलाता है. सी द लुक इन द हॉर्स आइज, यानी कि देखो उस घोड़े की आंखों में देखो. आई थिंक दीज टू शेयर अ सीक्रेट. वो बोलता है कि मुझे लगता है, जैक्स बोलता है कि मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ खुफिया तो है, यानी कि कुछ ना कुछ सीक्रेट इन दोनों के बीच में तो है ही. समटाइम्स दे सीम टू चकल एट, यानी कि जैक्स बोलता है कि कुछ कुछ बार तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग हमारे पे हंस रहे हैं. एज दे गो ऑफ ऑन देयर रूट इन द मॉर्निंग, और वो लोग फिर उनके जो मॉर्निंग का जो रूट है वहाँ पर निकल पड़ते हैं. पियर इज़ अ गुड मैन बट ही इज़ गेटिंग ओल्ड. वो जैक्स बोलता है मैनेजर को कि पियर अब बहुत ही अच्छा इंसान है पर अब वो धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा है. डोंट यू थिंक ही शुड बी रिटायर्ड एंड बी गिवन अ स्मॉल पेंशन. वो जैक्स होता है वो मैनेजर को बोलता है कि आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि इसको अभी रिटायरमेंट लेना चाहिए, उसे रिटायर हो जाना चाहिए और हम उसे छोटा सा पेंशन भी दे सकते हैं. रिटायरमेंट के बाद हम उसे थोड़े थोड़े पैसे दे सकते हैं, यानी कि पेंशन दे सकते हैं. ऑफ कोर्स, सेड द मैनेजर. मैनेजर बोलता है कि हाँ हो सकता है ऐसा. ही हैज़ बीन ऑन दिस रूट नाउ फॉर 30 years एंड नॉट इवन वंस हैज़ देयर बीन अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम. वो जो मैनेजर होता है वो बोलता है कि इस रूट पे वो 30 years 30 सालों से वो इसी सेम रूट पे काम कर रहा है पर आज तक उसकी एक भी कंप्लेन हमारे पास नहीं आई है, उसके खिलाफ एक भी कंप्लेन हमारे यहाँ दर्ज नहीं हुई है. टेल हिम इट इज़ टाइम ही शुड रेस्ट. वो मैनेजर होता है वो जैक्स को बोलता है कि तुम पियर को बोल दो कि अब उसका टाइम आ गया है कि उसे रेस्ट करना चाहिए, उसे थोड़ा सा आराम करना चाहिए. ये सब बोल रहा है इसीलिए क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है. हिज सैलरी विल गो ऑन जस्ट द सेम. वो बोलता है कि उसे बोल दो कि उसकी जो सैलरी है वो ऐसे ही चलती रहेगी. बट पियर रिफ्यूज्ड टू रिटायर. अब जो पियर होता है वो बोलता है कि नहीं मुझे अभी रिटायर नहीं होना है. ही कुड नॉट बेयर द थॉट ऑफ नॉट ड्राइविंग हिज जोसेफ एवरी डे. वो ऐसा अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में सोच भी नहीं सकता था कि वो पियर के बिना ड्राइव मतलब पियर उसके साथ ना हो. ही सेड टू जैक्स वी आर टू ओल्ड मैन जोसेफ एंड आई. वो जैक्स को बोलता है कि मैं एक नहीं हम दो हैं.
मैं ओल्ड मैन और मैं और मेरा जोसेफ हम हमेशा ही साथ रहेंगे। लेट अस वियर आउट टुगेदर। वियर आउट का मतलब है बहुत ही ज़्यादा थका हुआ जब कोई होता है, बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड होता है, तो उसी को हम वियर आउट बोलते हैं। लेट अस वियर आउट टुगेदर। व्हेन जोसेफ इज़ रेडी टू रिटायर देन आई टू विल लीव। वो बोलता है कि जब जोसेफ, जो मेरा घोड़ा है, वो रिटायर होने के लिए रेडी होगा, तब मैं भी रिटायर हो जाऊंगा और मैं भी छोड़ दूंगा ये काम। जैक्स हु वॉज अ काइंड मैन अंडरस्टूड। जैक्स जो बहुत ही दयालु इंसान था वो समझ जाता है। देर वॉज समथिंग अबाउट पियर एंड जोसेफ विच मेड अ मैन स्माइल टेंडरली। यानी कि वो समझ जाता है कि इन दोनों के बीच में कोई तो ऐसी चीज़ है दैट मेक्स अ मैन स्माइल टेंडरली, यानी कि जो एक इंसान को स्माइल कराता है। इट वॉज एज टफ, ईच ड्रीव सम हिडन स्ट्रेंथ फ्रॉम वन अनदर। यानी कि वो सोचता है कि इन ये दोनों के बीच में कुछ ऐसा तो है जो एक दूसरे को शक्ति देने का काम करता है, जो एक दूसरे को स्ट्रेंथ देता है। वेन पियर वॉज सिटिंग इन हिज सीट एंड वेन जोसेफ वॉज हिच्ड टू द वेगन नीदर सीम्ड ओल्ड। यानी कि जब जो जोसेफ होता है वो वेगन पे बैठा हुआ होता है, और जब जो मतलब जो पियर होता है वो जब वेगन पर बैठा हुआ होता है, और जब जोसेफ हिच करता है उस वेगन को, तब लगता है कि उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई गहरा सीक्रेट है। और जब वो दोनों अपना काम कर रहे होते हैं तो उन दोनों में से एक भी जन कभी भी बूढ़ा नहीं लगता है। भले ही वो बूढ़े हो, पर अपने काम के टाइम वो कभी भी बूढ़े नहीं लगते। बट वेन दे फिनिश्ड देयर वर्क, यानी कि जब वो अपना काम फिनिश कर देते हैं, पियर वुड लिम्प डाउन द स्ट्रीट सीमिंग वेरी ओल्ड इंडीड। अभी लिम्प डाउन का मतलब ये होता है कि वॉकिंग विद डिफ़िकल्टी, यानी कि जब कोई इंसान को चलने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही हो तो उसे ही हम लिम्प डाउन बोलेंगे। यानी कि जो पियर है उसे, वो जब अपना काम ख़त्म कर देता था तो वो बहुत ही मतलब डिफ़िकल्टी से चल रहा हो ऐसा दिखाई पड़ता था। सीमिंग वेरी ओल्ड इंडीड, यानी कि जब वो ये चीज़ अपना काम ख़त्म करके वो जब स्ट्रीट पर से जाता है तो हमें दिख ही जाता है ऑटोमेटिकली कि वो कितना ओल्ड है, वो कितना बूढ़ा हो चुका है। द हॉर्स हेड वुड ऑल्सो ड्रॉप एंड ही वुड वॉक वेरी वियरली टू हिज स्टॉल। अब घोड़ा भी बहुत ही थक जाता होता है, वो जब काम अपना ख़त्म कर लेता है तो हॉर्स भी बहुत ही थका हुआ होता है, और धीरे धीरे वो चल कर अपने स्टॉल की तरफ आता है, स्टेबल में जाता है और फिर वो सो जाता है। देन वन मॉर्निंग जैक्स हैड अ ड्रेडफुल न्यूज़ फॉर पियर। अब यहाँ पे कहानी पर ट्विस्ट आया। एक मॉर्निंग को जैक्स के पास पियर के लिए बहुत ही ख़राब खबर होती है, बहुत ही ड्रेडफुल न्यूज़ होती है पियर के लिए। ही सेड पियर जोसेफ डिड नॉट वेक दिस मॉर्निंग। वो पियर को बोलता है कि आज सुबह तुम्हारा घोड़ा नहीं उठ पाया है। जोसेफ डिड नॉट वेक दिस मॉर्निंग, यानी कि तुम्हारा घोड़ा आँख नहीं खोल पाया है इस सुबह को। ही वॉज वेरी ओल्ड पियर, यू नो ही वॉज 25 एंड दैट इज़ लाइक 75 फॉर मैन। वो पियर को बोलता है कि तुम्हारा घोड़ा 25 ईयर्स का था और इंसानी उम्र में वो 75, अगर मतलब जो घोड़े के लिए 25 होता है वो इंसान के लिए 75 होता है। यानी कि वो इस चीज़ से यही शो करना चाहता है कि वो घोड़ा बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था, तो ये नेचुरल है कि उसे एक दिन तो जाना ही था। यस पियर सेड स्लोली, पियर धीरे से बोलता है कि हाँ सही बात है, आई एम 75। वो बोलता है कि मैं अब 75 ईयर्स का हो गया हूँ। नाउ आई शैल नेवर सी हिम अगेन, मतलब अब मैं शायद उसे कभी नहीं देख पाऊँगा। माई पुअर जोसेफ, मेरा बेचारा जोसेफ, मेरा बेचारा घोड़ा। जैक्स पैटेड पियर ऑन द शोल्डर। अब जैक्स उसे थोड़ा सा सहलाता है, उसे तसल्ली देता है कि नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारा घोड़ा तुम्हारे साथ नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। थोड़ा सा दिलासा देता है उसके दिल को। जैक्स पैटेड पियर ऑन हिज शोल्डर, वो उसके शोल्डर पर थोड़ा सा अपना हाथ घुमा के उसे थोड़ा सा पैट करता है। वील फाइंड अनदर हॉर्स जस्ट एज गुड एज जोसेफ। और वो पियर को दिलासा देने के लिए उसे बोलता है कि हम जोसेफ के जैसा ही दूसरा घोड़ा तुम्हारे लिए ला देंगे, तुम उसके साथ काम करना। वाई इन अ मंथ्स टाइम यू विल टीच हिम
योर रूट, और मुझे पता है कि तुम एक महीने के अंदर अंदर ही उसे अपना रूट जो है वो सिखा दोगे। वेल, मतलब बोलता है ठीक है। बट ही स्टॉप्ड व्हेन ही लुक्ड इनटू पियर्स आईज। जैक्स वो रुक जाता है जब वो पियर की आंखों में देखता है। फॉर इयर्स पियर हैड वोन अ हैवी कैप, मतलब बहुत सालों से पियर एक बहुत ही हैवी कैप पहने रखता था। द पीक ऑफ विच केम लो ओवर हिज आईज, और वो कैप की जो पीक होती है वो उसके आंखों तले आ जाती है, थोड़ी सी नीचे आ जाती है उसकी कैप। नाउ व्हेन जैक्स लुक्ड इनटू पियर्स आईज ही सॉ समथिंग विच स्टार्ल्ड हिम। बहुत ही अच्छी घटना है, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अब होता यूँ है कि जब जैक्स पियर की आंखों में देखता है, ही सॉ समथिंग विच स्टार्टल्ड हिम, वो कुछ ऐसा देखता है जो उसे चौंका देता है। स्टार्टल्ड मीन्स चौंका देना। ही सॉ अ डेड लाइफलेस लुक इन हिम इन देम, यानी कि वो पियर की आंखों में एक मरा हुआ लाइफलेस लुक देखता है, जिसमें लाइफ ना हो उसे हम लाइफलेस बोलते हैं, और उसी टाइप का वो लुक पियर की आंखों में देखता है। द आईज वर मिररिंग द ग्रीफ दैट वॉज इन पियर्स हार्ट एंड इन हिज सोल, मतलब उसकी जो आंखें होती है वो उसे आराम से देख पाता है कि पियर कितना ज़्यादा दुखी है, उसका हार्ट जो है, उसका सोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीफ में है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में है। इट वॉज एज टफ हिज हार्ट एंड सोल हैड डाइड, उसे ऐसा लगा कि उसके लिए ये बहुत टफ हो रहा है और उसका सोल और उसका हार्ट मर रहा है। टेक टुडे ऑफ पियर जैक्स सेड का मतलब होता है कि तुम पियर आज तुम एक छुट्टी ले लो। ऐसा कौन बोलता है? तो ऐसा जैक्स बोलता है, जो कंपनी का फोरमैन है, यानी कि कंपनी का जो सुपरवाइजर है वो पियर को बोलता है कि तुम आज एक छुट्टी ले लो। बट बिफोर जैक्स कुड कंप्लीट हिज सेंटेंस, यानी कि जब जैक्स अभी तो जैक्स ने उसका सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं किया, और तभी क्या होता है चलिए देखते हैं। पियर वॉज ऑलरेडी लिम्पिंग डाउन द स्ट्रीट, यानी कि पियर तो जो है वो वहाँ से चला जाता है लिम्पिंग डाउन द स्ट्रीट। टीयर्स वर स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स एंड ही वॉज सोबिंग, वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, वो सोब कर रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था, क्योंकि उसका घोड़ा जोसेफ अब नहीं रहा। उसके दिल पे बहुत ही क्या गुजर रही थी वो हम अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि किसी की दिमागी हालत कैसी है वो आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। उस जो पियर था उसके लाइफ में एक ही तो घोड़ा था जो उसका कंपेनियन था, एक ही कंपेनियन था पियर की लाइफ में, और वो था जोसेफ, बट अब वो भी नहीं रहा। उसी के कारण वो बहुत ही ज़्यादा ओवर इमोशनेट हो जाता है और इसी के कारण वो रोने लगता है। देर वॉज अ वार्निंग येल फ्रॉम द ड्राइवर ऑफ अ ह्यूज ट्रक दैट वॉज कमिंग फास्ट। एक वार्निंग येल उसे सुनाई देती है, पियर को सुनाई देती है। अब क्या होता है कि वो जो ट्रक का जो ड्राइवर होता है वो वार्निंग येल देता है, यानी कि जोर जोर से हॉर्न बजाता है और बोलता है कि तुम रास्ते में से हट जाओ। अ ह्यूज ट्रक वॉज दैट वॉज कमिंग फास्ट, यानी कि एक बहुत ही जो बड़ी ट्रक थी वो पियर के तरफ एकदम ही फास्टली आ रही थी। एंड देयर वॉज द स्क्रीम ऑफ ब्रेक्स, यानी कि एकदम ही वो स्क्रीम जो होती है वो ब्रेक्स का जो टिपिकल आवाज़ होता है वो एकदम से सुनाई देता है। बट इट अपीयर्ड दैट पियर हैड हर्ड नीदर, बट लगता है कि पियर ने उस हॉर्न को या उस ब्रेक को सुना ही नहीं। 5 मिनट्स लेटर एन एम्बुलेंस डॉक्टर सेड ही इज डेड, यानी कि 5 मिनट बाद एक एम्बुलेंस में से एक डॉक्टर उतरता है और वो पियर को चेक करता है और बोलता है ही इज डेड, यानी कि वो अब ज़्यादा नहीं रहा, ही इज नो मोर। जैक्स एंड सेवरल ऑफ द मिल्क वेगन ड्राइवर्स हैड अराइव्ड बाय देन, यानी कि जैक्स जो होते हैं और उनके जो सेवरल जो मिल्क वेगन ड्राइवर्स होते हैं जो उनकी कंपनी में काम कर रहे होते हैं वो सब वहाँ पे आ जाते हैं। दे सून अराइव्ड बाय देन, दे लुकड डाउन एट द स्टिल फिगर, वो लोग जो स्टिल फिगर होती है उसकी तरफ देखते हैं, जो कोई भी हलन चलन नहीं कर रही होती है, एकदम ही स्टिल वहाँ पे कोई भी मूवमेंट किए बिना जो वहाँ पे जो फिगर पड़ी रहती है उसे वो लोग एक बार देखते हैं। आई कुंड हेल्प इट द ड्राइवर ऑफ द ट्रक प्रोटेस्ट,
वो जो ट्रक ड्राइवर होता है वो बोलता है कि मैं इसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। ही वॉक्ड राइट इंटू माई ट्रक, वो सीधा मेरे ट्रक के सामने ही आ रहा था, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ही नेवर सॉ इट, वो बोलता है कि उसे मैं दिखा ही नहीं शायद, आई गेस। ही वॉक्ड इंटू इट एज एज दो ही वर ब्लाइंड, वो बोलता है कि वो ऐसे आ गया मेरे सामने, मतलब मुझे एक सेकंड के लिए ऐसा लगा, वो ट्रक ड्राइवर बोलता है कि मुझे एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि वो शायद अंधा था। द एम्बुलेंस डॉक्टर बेंट डाउन, ब्लाइंड ही सेड लुकिंग इन टू पियर्स आइज। अब वो जो एम्बुलेंस का जो डॉक्टर था वो थोड़ा सा पियर को देखता है और बोलता है ब्लाइंड ही सेड, वो बोलता है ब्लाइंड लुकिंग इन टू पियर्स आइज, वो पियर की आंखों में देखता है और बोलता है ब्लाइंड। ऑफ कोर्स द मैन वॉज ब्लाइंड, वो जो डॉक्टर होता है वो बोलता है कि हाँ ये तो पहले से अंधा ही है। सी दोस कैटरैक्ट, उसके अंदर तो कैटरैक्ट है, कैटरैक्ट यानी कि वो जो आई का एक डिसीज आता है उसे ही हम कैटरैक्ट बोलते हैं। दिस मैन हैज़ बीन ब्लाइंड फॉर 5 ईयर्स, वो बोलता है कि ये इंसान, ये पियर है, वो 5 साल से अंधा ही है। देन ही टर्न्ड टू जैक्स एंड सेड, यू से ही वर्कड फॉर यू। फिर वो एक इंसान होता है वो जैक्स की तरफ टर्न करके बोलता है जैक्स को कि वो तो तुम्हारे लिए वर्क करता था ना, डिडंट यू नो ही वॉज ब्लाइंड। वो जैक से पूछता है कि क्या तुम्हें पता नहीं था कि ये पियर ब्लाइंड है, वो अंधा है, वो कुछ देख नहीं पाता, तुम्हें पता नहीं था क्या 5 साल से वो अंधा है और तुम्हें पता भी नहीं चला। नो नो जैक्स सेड सॉफ्टली, जैक्स बोलता है कि नहीं, नन ऑफ अस न्यू, मतलब हमें तो कभी पता ही नहीं था कि ये पियर अंधा है। देर वॉज ओनली वन हू न्यू, पर मुझे लगता है कि शायद एक ही था जो पियर के इस सीक्रेट के बारे में जानता था, अ फ्रेंड ऑफ हिज नेम्ड जोसेफ। वो बोलता है कि शायद जोसेफ ही वही था, जोसेफ जो उसका क्लोजेस्ट फ्रेंड था वही शायद जानता था कि जोसेफ अंधा है। इट वॉज अ सीक्रेट आई थिंक जस्ट बिटवीन दोज टू, वो जैक्स बोलता है कि हाँ शायद ये एक सीक्रेट था उन दोनों के बीच में, आई थिंक जस्ट बिटवीन दोज टू, यानी कि वो सीक्रेट सिर्फ उन दोनों के बीच में ही था और किसी को पियर के इस बारे में नहीं पता था कि उसको कैटरेक्ट है और वो अंधा है, सिर्फ जोसेफ जो उसका क्लोजेस्ट फ्रेंड है उसी को पता था कि पियर अंधा है। ओके, तो यही थी हमारी आज की स्टोरी, आई होप यू लाइक द वीडियो। आज मैं सिर्फ एक्टिविटी 2 ही करवा रही हूँ, एक्टिविटी 2 बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी तो आज हम सिर्फ यही करेंगे। सो बाय फॉर टुडे, आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। ओके, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो शेयर इट, सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।